नमस्कार दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी, पढ़ी या सुनी है तो यकीनन जटायु की स्मृतियाँ आपके जहन में ज़रूर होगी। वही जटायु जिसने माँ सीता की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए थे। युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले जिससे वो मरणासन्न स्थिति में पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हीं अपार शक्ति वाले जटायु को समर्पित केरल के कोल्लम जिले के चदिया मंगलम गांव में जटायु नेचर पार्क बनकर तैयार है। इस नेचर पार्क की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो अपने आप में विशाल है। यहाँ बनी पक्षीराज जटायु की प्रतिमा पूरी दुनिया में पक्षियों पर बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा है। कहा जाता है कि ये प्रतिमा ठीक उसी जगह स्थापित है जहां त्रेता युग में जटायु युद्ध में घायल होकर गिरे थे। प्रोजेक्ट हेड और मलयालम फिल्म मेकर राजीव अंचल के नेतृत्व में इसे 15,000 स्क्वायर फीट के एक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। बता दें कि ये अद्भुत पार्क मानव निर्मित है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक सहजीवन के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस नेचर पार्क में जटायु की प्रतिमा के साथ साथ 6D थिएटर और डिजिटल म्यूजियम में पर्यटकों के आकर्षणों का केंद्र है, जिसमें पर्यटकों को जटायु और रामायण की झलक दिखाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूर्ति कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।